Our new chapter, that is kinematics. Kinematics chapter is divided into three parts. First part is motion in a straight line. Second part is vector, and third part is motion in a plane. Means ये unit का नाम है kinematics, और इसके अंदर हम ये तीन chapters पढ़ने वाले हैं. तो इसमें पहला part है motion in a straight line, second है vectors, and third है motion in a plane. सो चलिए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इसका पहला टॉपिक है स्टैटिक एंड डायनामिक. देखिए काइनेमेटिक्स के अंदर हम मोशन से रिलेट करेंगे, मींस हम मोशन के बारे में इसमें बात करेंगे. तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैटिक और डायनामिक होते क्या हैं. तो बेसिकली स्टैटिक और डायनामिक के ये मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं. स्टैटिक एंड डायनामिक आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स. मींस अभी आप तीन से चार चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं ये सारे मैकेनिक्स के अंडर आते हैं. तो अब इसमें हम देखते हैं स्टैटिक और डायनामिक. तो जो स्टैटिक और डायनामिक है ये मेन ब्रांचेज है मैकेनिक्स की. तो स्टैटिक हमें बताता है जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, मींस जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो हम उससे रिलेटेड जब उसकी स्टडी करते हैं तो वो आती है स्टैटिक के अंदर. और जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसे हम कहते हैं डायनामिक में. तो बॉडी रेस्ट में कब होती है? बॉडी रेस्ट में तब होती है जब उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक. और जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो हम उसे कहते हैं डायनामिक. तो ये दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक. ये वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले. सो अब इसमें भी सब डिवीजन है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक. काइनेमेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट की, जिसमें हम उसके कॉज को, मींस किस वजह से वो मोशन हो रहा है, उसको हम अकाउंट में नहीं लेते हैं. तो ये आता है काइनेमेटिक्स के अंदर. एंड डायनामिक्स के अंदर क्या आता है? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. मींस इसमें मोशन का कॉज हम अकाउंट में लेते हैं, मींस उसको हम कंसिडर करते हैं. बट काइनेमेटिक्स के अंदर हम जो मोशन का मोशन किस वजह से हो रहा है, उसका कॉज क्या है, बेसिकली वो हम इसके अंडर नहीं लेते हैं. तो जिसके अंडर नहीं लेते हैं उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स. सो मैंने आपको काइनेमेटिक्स वर्ड का मीनिंग बता दिया कि अब हम इसमें क्या करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम मोशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं. हम मोशन से रिलेटेड इसमें सारे फिनोमेनाज देखेंगे और हम इसमें मोशन को डीप स्टडी करने वाले हैं. सो देखिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं. देखिए पहली इसमें डेफिनेशन आती है रेस्ट एंड मोशन. ये दो वर्ड रिलेटिव वर्ड हैं, तो हम इसे देखते हैं किस तरीके से रिलेटिव है, मैं आपको बताता हूँ. देखिए पहले रेस्ट एंड मोशन. तो ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. मीन्स अगर कोई भी बॉडी है जिसकी पोजिशन चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कहते हैं कि वो मोशन में है. जैसे कि आपने मूविंग कार देखी होगी, तो मूविंग कार क्या करती है, हर एक सेकंड में अपना पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स. तो हम क्या कहेंगे कि कार मोशन में है. सो मोशन में हम कोई भी बॉडी को कैसे देख सकते हैं कि वो मोशन में, कि जब उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, उसकी पोजीशन चेंज हो रही हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसको कहते हैं कि बॉडी मोशन में है. और जब भी किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज़ सेट टू बी एट रेस्ट. मींस जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं रेस्ट पे है. जैसे कि आप कोई भी रेस्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लीजिए एक बॉल है जो कि ग्राउंड पे प्लेस है, तो आप जब मतलब वो रेस्ट पे है, तो मींस उसकी पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो वो बॉडी कैसी कहलाएगी? वो बॉडी कहलाएगी रेस्ट में. बट अगर आप मूविंग कार को देखें, तो मूविंग कार को हम सभी जानते हैं, कार जब मूव कर रही है तो उसकी हर एक सेकंड पे उसकी पोजीशन उस अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम उसको कहेंगे कि बॉडी मोशन में है. तो ये दोनों रिलेटिव वर्ड हैं, क्योंकि मान लीजिए दो ऑब्जर्वर हैं और वो सेम चीज़ को देख रहे हैं, तो किसी एक के लिए तो वो मोशन में भी हो सकती है और किसी एक के लिए वो रेस्ट में भी हो सकती है. तो ये दोनों टर्म रिलेटिव टर्म है. चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव वर्ड है. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मैंने भाई आपको मूविंग कार का एग्जांपल दिया, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए एक रोड है. ये क्या है? एक रोड. इस पर क्या कर रही है? कार मूव कर रही है. ये कार मूव कर रही है. इसका ड्राइवर कौन है? इसका ड्राइवर सी है. और इस कार में बैठा कौन है? इस कार में एक बी बैठा है. एक बी एक ऑब्जर्वर है और सी इस कार का ड्राइवर है. और ए क्या है? ए वो व्यक्ति है जो रोड के साइड में खड़ा हुआ है. तो आप देख सकते हैं ए क्या है? ऑब्जर्वर है जो कि रोड पे खड़ा हुआ है. तो अगर ए
सी को देखेगा तो सी को वो देखेगा तो क्या कहेगा कि सी मोशन में है क्योंकि कार मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। तो अगर ए देखेगा सी को तो ए क्या देखेगा कि सी मूव कर रहा है, मीन्स सी मोशन में है। तो ए ने सी को क्या देखा, ए ने सी को देखा कि सी क्या है, मोशन में है। बट अगर बी सी को देखेगा, अगर बी सी को देखेगा तो बी के लिए तो सी रेस्ट पे है, मीन्स बी के लिए तो सी रेस्ट पे है। तो मैं बस आपको वही बताना चाहता हूँ कि दोनों वर्ड रिलेटिव हैं, किसी के लिए तो वो मोशन में है बट किसी के लिए वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों वर्ड रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव वर्ड हैं। सो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। देखिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी फिजिकल इवेंट को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे, मान लीजिए कोई ए ऑब्जर्वर है जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ट्रेन। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर ए है जो कि ग्राउंड पे है तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा ग्राउंड। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है जो कि कार में बैठा हुआ है तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा कार। देखिए किस तरीके से मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन क्या बताई, इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए आपको ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है एक्स वाई जेड, मान लीजिए इसी के रिस्पेक्ट में हम कोई पॉइंट पी ऑब्जर्व करते हैं, कोई हमने पॉइंट देखा पी, तो हम उसे जब सेंटर से देखेंगे मीन्स ओरिजिन से देखेंगे तो कुछ वेक्टर आएगा मीन्स उसकी कुछ पोजीशन आएगी जिसको हमने आर से डिनोट किया हुआ है। तो बेसिकली हम यही देख रहे हैं, हमने कोई फिजिकल इवेंट देखा, फिजिकल इवेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी पॉइंट एक फिजिकल इवेंट है जिसको हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने ऑब्जर्व किसके रिस्पेक्ट में किया, आपने क्या देख के कहा कि इसके इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे, आपने क्या चीज़ देखी, आपने ये देखा कि मान लीजिए ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पे है और ये एक्सिस से एक्स वाई जेड की डिस्टेंस पे है तो इसके पॉइंट्स हो जाएंगे एक्स वाई जेड। तो आपने कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो देखा ही होगा। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूँ और ये ओरिजिन ओ डैश है, अगर इस ओ डैश से अगर इस पॉइंट पी को देखेंगे तो ये कुछ और आएगा, मीन्स हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हर एक इवेंट की पोजीशन अलग अलग होती है। मान लीजिए और हम इसे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कहीं पर भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए कोई बी ऑब्जर्वर है, सॉरी बी कोई पर्सन है जो कि काइट उड़ा रहा है, काइट पतंग उड़ा रहा है कोई, अगर ए ऑब्जर्वर उसको देखेगा कि पतंग मूव कर रही है मीन्स पतंग उड़ रही है हवा में तो वो कैसे देखेगा, तो वो बी पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देगा और फिर वो क्या देखेगा। देखिए मैं आपको क्लियर डायग्राम बताता हूँ इसका, इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आपने देखा इस कोई पी पॉइंट पे यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, आपने देखा मीन्स यहाँ पे कोई बी हैगा जो खड़ा हुआ है पर ए ने इसको नोटिस किया तो इसने क्या देखा कि इस तरीके से कोई एक काइट मूव कर रही है एयर में। तो इसने क्या देखा, इसने बी पे मीन्स जो वी व्यक्ति है इस पे इसने इमेजिनरी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। इस तरीके से आपको दिख रहा है ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, तो मीन्स बेसिकली यही है कि ये, तो इसने कैसे देखा कि ये जो काइट है वो एयर में उड़ रही है, इसने देखा कि इसने बी के रिस्पेक्ट में देखा, इसने बी के रिस्पेक्ट में देखा कि काइट मूव कर रही है। तो अब इसने तो बी के लिए क्या हो, मतलब ए के लिए जब ए ने नोटिस किया तो ए ने बी के उससे देखा तो बी के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया क्योंकि उसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा क्योंकि बी तो ग्राउंड पे ही है ना। इस तरीके से तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझ आ गया होगा, मैं कुछ देखता हूँ। देखिए बेसिकली इट इज़ अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू विच अ फिजिकल इवेंट इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे कोई फिजिकल इवेंट पी है जिसको हमने ऑब्जर्व किया और कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो हमने देखा कि ओरिजिन से लेके उस पी की पॉइंट एक्स वाई जेड है हर एक्सिस से, तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स वाई जेड। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के लॉस अच्छे से वैलिड हों। आपने न्यूटन के लॉस तो पढ़े ही होंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये तीनों लॉ किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड हैं तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
सिंपल सी बात है। और ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ये नॉन एक्सेलरेटिंग होते हैं, मीन्स इनकी कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, इनकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। और ये अगर मूव भी करते हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, मीन्स इनकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती। मीन्स ये अगर पहले सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे तो ये 4th सेकेंड में भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही चलेंगे, मीन्स इनकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती, इनकी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करते हैं और इनकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब v कांस्टेंट हो जाता है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। आप में से बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा कि v कांस्टेंट है तो a कैसे ज़ीरो हो गया। ये अभी जब हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन मोशंस की तो हम आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, बट अभी के लिए आप फिलहाल ये समझ लीजिए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हैं, 1st, 2nd, 3rd तीनों लॉ वैलिड हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं, ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इनकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, इनकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है, और अगर ये मूव भी कर रहे होते हैं तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बस आपको इतना समझना है। तो ये हो जाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें दूसरे आते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है, न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं है, और जिसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होती है और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होती है, नो कांस्टेंट वैल्यू। सो ऐसे रेफरेंस फ्रेम को हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई होप कि आपको कुछ टॉपिक समझ आए होंगे। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था कि स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क क्या है, दूसरा मैंने आपको बताया कि रेस्ट और बो क्या होता है, मोशन क्या होता है, और मैंने आपको काइनेमैटिक्स का मीनिंग भी बताया, और चौथी चीज़ मैंने आपको बताई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसके आपको टाइप्स बताए हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज़ मोशन इन डिफरेंट डायमेंशंस। अब हम मोशन देखेंगे किसी भी बॉडी का डिफरेंट डायमेंशन से। डायमेंशन से यहाँ क्या मतलब है, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस। आपने दो एक्सेस तो पढ़ी ही होंगी, x एंड y, और तीसरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे z एक्सेस। तो हम ये तीनों एक्सेस को यहाँ देखेंगे। तो जब भी देखिए किस तरीके से मैं देख बताता हूँ आपको, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विथ विच चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन कर रहा है इन तीनों में से कोई भी एक एक्सिस के अलोंग का क्या मतलब है, उसकी डायरेक्शन है। मान लीजिए जैसे कि ये हम जैसे यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जर्वर खड़ा है ए, इसके पास बॉल है, अगर इसने बॉल, देखिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, देख लीजिए मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसके हाथ में क्या है, एक बॉल है। तो इसने अगर बॉल हवा में फेंकी इस तरीके से और ये ऊपर किसी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच कर, जैसे कि मान लीजिए ए पॉइंट पे पहुंच गई और ये वापस नीचे आ जाएगी, मींस पहले ये ऊपर जाएगी, किसी मैक्सिमम पॉइंट को रीच करेगी और फिर ये दोबारा उसके हाथों में आ जाएगी। तो इसने बॉडी ने किस तरीके का मोशन किया, बॉडी ने सिर्फ एक तरीके का मोशन किया। अगर हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से देखें तो इसने सिर्फ जेड एक्सिस में मोशन किया। तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में इसने मोशन किया या नहीं किया, तो इसी को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और इसके पास बॉल है और इसने बॉल इस डायरेक्शन में इस तरीके से फेंकी, तो आप देख सकते हैं ये टू डायमेंशन है। टू डायमेंशन किस तरीके से, क्योंकि बॉल ने कुछ रास्ता जेड एक्सिस में भी कवर किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैक्सिमम इसकी क्या है, यहाँ तक है, तो ये कुछ इसने डिस्टेंस जेड एक्सिस में कवर किया है और कुछ इसने y एक्सिस में भी कवर किया हुआ है। तो इसने दोनों डायमेंशंस में इसने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर किया है, तो ये टू डायमेंशनल है। और थ्री डायमेंशनल में क्या होता है, जब वो तीनों डायमेंशनल में कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव करे तो उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। तो मैंने आपको तीनों तरीके के डायमेंशन बता दिए हैं, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, अब आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। तो देखिए मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन वन डायमेंशनल तब कहलाएगा जब वो तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट के अलोंग,
क्या करे, अपना मोशन करे, तो उसको हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। इसी तरीके से सेम डेफिनेशन है, बस इसमें क्या हो जाएगा कि वो थ्री कोऑर्डिनेट्स में से कोई दो कोऑर्डिनेट, कोई भी दो, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, तो किसी भी दो कोऑर्डिनेट को कवर करते हुए वो डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ऐसे हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन। तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन इफ ओनली एनी टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, इफ ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई होप कि आपको ये वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल समझ आ गया होगा। ऐसी थ्री डायमेंशनल है कि जब कोई भी बॉडी इस तरीके से मोशन करे कि वो तीनों एक्सिस के अलोंग कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, तो हम उसको कहेंगे कि वो थ्री डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल इफ ओनली ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये अगर कोई भी व्यक्ति है जो जीरो से लेके पी तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये किस डायमेंशन, किस तरीके का मोशन है? ये 1D है या 2D है या 3D है? मीन्स डी का मतलब यहाँ पे है डायमेंशन, वन डायमेंशनल है या टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है। तो आप सभी देख ही सकते हैं ये एक थ्री डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि इस अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ओ से लेके पी तक आता है तो उसने, तो ये क्या, ये एक थ्री डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो मोशन हुआ है वो तीनों डायरेक्शन में हुआ है, एक्स वाई जेड। तो ये किस तरीके का डायमेंशन है, मतलब किस तरीके का मोशन है? ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि कोई भी मोशन वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन